देखिए, कोलेस्ट्रॉल्स, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल्स, एचडीएल्स, वीएलडीएल्स, ये सब बैड लिपिड्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब सब तो नहीं। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल इज ऑल्सो वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स ठीक है, बट जितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं उतना ही फिर ये भी ज्यादा होता है। सो आपको ये समझना है कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम रखना है, उससे सब चीजें कम हो जाती हैं। अब कितना कम रखना है वो भी पॉइंट है, एग्जैक्टली इतना डरने की जरूरत नहीं है, जरा सा हाई रहेगा तो। इट्स नॉट लाइक दैट कि ज्यादा है तो हार्ट अटैक होगा ही, इट्स लाइक दैट कि अगर ज्यादा है तो कम रखने में अच्छा चांसेस, रिस्क कम होता है, लेकिन हाई होने से कोई ऐसे 100% गारंटी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक होगा ही। सो दे आर नॉट द सोल रीजन, रीजन इज द क्रैक्स, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बैड लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल का, शुगर, दीज आर मोर बिगर रीजन देन कोलेस्ट्रॉल, बट यस, कोलेस्ट्रॉल इज अ फैक्टर जिसको कंट्रोल करना चाहिए।